हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कोलार सला रहेगा और उसकी एप्लीकेशन रहेगी और साथ में हम उसके करने वाले न्यूमेरिकल। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल HBSC है या CBSE है वहाँ से अलग अलग प्रकार से आ सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कोलार सला क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है 3 नंबर में, या फिर आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, वो कोलार सला के बेसिस पे उसको आपको सोल्व करना होगा। तो दोनों ही केसेस आज हम डिस्कस करेंगे और मात्र अपना 15 से 20 मिनट का लेक्चर ये रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए कोलार सला की, कोलार सला से पहले अगर मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि जो 100 है वो बराबर होता है 30 प्लस 70, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है सर। अगर मैं बोलूँ 100 आपका बराबर होता है 40 प्लस 60, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है सर। और अगर मैं आपको लिख दूं 100 बराबर होता है 80 प्लस 20, तो सारे ही केसेस में आप क्या बोलोगे कि तीनों की तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। इस सबसे पहले लेक्चर में, इस यूनिट में हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने बात की थी जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 नंबर में यही बनता है कि जो कोलार सला है वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसके यूज़ करते हैं। दूसरा, कोलार सला किस काम आता है हमारा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। यानी अगर कोलार सला की डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द, या इट स्टेट्स दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट कंडीशन इज इक्वल टू सम ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड ध्यान देने योग्य है भाई। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या हुआ हमारा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सम ऑफ आयंस, या इसको और क्या बोल सकते हो, इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस, सम ऑफ ए मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, इस कारण उसको क्या बोलेंगे हमें? कोलार सला। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लिया हमारे पास क्या है, लेमडा इन्फिनिटी AB कोई इलेक्ट्रोलाइट था, तो ये जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? लेमडा इन्फिनिटी ए पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फिनिटी बी नेगेटिव, ये आपको कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा होगा, है ना? कि जो देखो यहाँ से सारी डेफिनेशन आती है, इट स्टेट्स दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। ये कैटायन है हमारा और ये क्या है हमारा? ये बी नेगेटिव है और ये ए पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसकी जगह पे और कोई होता भी, मान लिया हमारा क्या आ जाए, लेमडा इन्फिनिटी AB2 आ जाए, तो क्या होगा भाई? टूटेगा तो कैसे टूटेगा? लेमडा इन्फिनिटी ए पॉजिटिव प्लस, यहाँ पर अब B के कितने आयन हैं? 2 हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 लेमडा इन्फिनिटी B नेगेटिव। अब 2 था यानी यहाँ A के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसका और देख लीजिए, लेमडा इन्फिनिटी AB3 आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे? लेमडा इन्फिनिटी A3 पॉजिटिव प्लस, अब 3 मोल बनेंगे इसके, एक प्रकार से 3 लेमडा इन्फिनिटी B नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर, उसको आपने अगर ऐसी सिचुएशन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल B वाले पोर्शन को, A एज इट इज रहेगा। AB3 है तो B वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो ये क्या था हमारा, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आ जाती है इसकी एप्लीकेशन। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की कोलार सला की, तो टोटल हमारी 5 एप्लीकेशन है। 5 में से 3 एप्लीकेशन हमारी हम इस अभी कर लेते हैं और इस स्लाइड के बाद हम सेकंड जो 2 एप्लीकेशन बच जाएंगी, 4th और 5th, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिव वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट उसकी क्या निकाल सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। अभी मैंने पढ़ा था, मान लिया आपको कोई वीक एसिड दे रखा है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COH, आपसे क्या पूछ ली जाए, बताइए इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी? तो इस तरह के केस में क्या होगा, आपको कुछ इंट साथ के साथ गिवन मिलेगा, कुछ अलग अलग वैल्यूज गिवन मिलेंगी, उन वैल्यूज से आपको ये निकालना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसमें टूटेगा भाई, लेमडा इन्फिनिटी CH3COO- प्लस लेमडा इन्फिनिटी H+। यानी जो आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन होंगे उसमें 2 केस ऐसे मिलेंगे जिसमें एक CH3CO अलग से आता मिलेगा और एक अलग से आता मिलेगा, बस हमें वही कम्बिनेशन देखना है कि किसको जोड़ना और किसको घटाना है। ठीक है, मान लिया आपको इलेक्ट्रोलाइट दिए गए भाई, उसने इलेक्ट्रोलाइट दे दिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है KCl, एक दे रखा है CH3COOK और थर्ड हमारा दे रखा है HCl। ये 3 गिवन है और आपसे पूछा क्या है
एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी। तो वही भी हमारा लैम्डा इन्फिनिटी हम आगे इसको लगा लेंगे। तो पहला काम तो क्या है, इसको डिसोसिएट आपको पता है किसमें टूटेगा, लैम्डा इन्फिनिटी के पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी सी एल नेगेटिव। ये किसमें टूटेगा भाई, लैम्डा इन्फिनिटी सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी के पॉजिटिव। और ये किसमें टूटेगा, लैम्डा इन्फिनिटी एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी सी एल नेगेटिव। न्यूमेरिकल में क्या करेगा, इनकी कुछ वैल्यूज दे देगा। मैं इनकी वैल्यूज को आसान बनाने के लिए इनको मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड। तो आपको एक ऐसा कम्बिनेशन सोचना है एक्स वाई जेड में से कि बाकी सारा कट जाए, आपके पास एक ये बच जाए और एक ये बच जाए। तो सी एस थ्री सी ओ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यानी एक तो हमें यहाँ से ये चाहिए। फिर एच पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा होगा, एक हमें ये चाहिए, यानी एक चीज़ तो कन्फर्म है। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वाई प्लस जेड और माइनस को क्या कर दूंगा, एक्स। ऐसा क्यों किया भाई, ये दोनों ऐड करते ही ये माइनस का कर दिया, माइनस करते ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, माइनस के से माइनस प्लस के, माइनस सी एल से प्लस सी एल। तो आप देखोगे यहाँ से सी एस थ्री सी ओ बच गया और यहाँ से एच बच गया। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा इन्फिनिटी सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एच पॉजिटिव। तो कैसे आया ये, वाई और जेड को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जो भी वैल्यू गिवन हो न्यूमेरिकल के अंदर उसको ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एक्स को। तो ये हमारी किसकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई, सी एच थ्री सी ओ ओ एच की। जैसे वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, मैं साथ के साथ एक न्यूमेरिकल कंसिडर ही कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट चाहो तो आप लिख सकते हो, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, मान लिया आपकी बार दे रखी है भाई एन ए सी एल सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए और एच सी एल, यानी पहले के सी एल था, मैंने एन ए सी एल ले लिया, एन ए सी एल के वैल्यू ले रखे भी 126.4, इसके लिए रखे भाई 425.9 और इसके लिए रखे भाई 91। और पूछी है आपसे सी एस थ्री सी ओ एच एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया भाई, हमें चाहिए क्या, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा कम्बिनेशन सोचना है जिससे ये दोनों ऐड हो जाए, क्योंकि सी एस थ्री सी ओ यहाँ से चाहिए और एच यहाँ से चाहिए और ये माइनस हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस सी एच सी एल माइनस, माइनस में क्या चाहिए, लैम्डा इन्फिनिटी एन ए सी एल। अब इसकी वैल्यू क्या थी भाई हमारी, ये है 425.9 प्लस एच सी एल की वैल्यू थी भाई हमारी 91 प्लस है, और माइनस में क्या हमारा 126। पहले इनको जोड़ लेते हैं 961 और 5, इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, 126.4 को, 9 में से 4 गया हमारा 5 हो गया 0, 11 में से 2 गया 9 और ये 3। तो ये हमारे क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया 390.5 यूनिट। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का, साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। वैसे भी आपको न्यूमेरिकल में यूनिट तो साथ की साथ ही मिलेगी, जब एन ए सी एल सी एस थ्री सी एन एच सी एल गिवन होगा तो वहाँ पर आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं भाई, ताकि आपको यहीं पर क्लियर हो जाए। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्टली क्वेश्चन इसी से आता है, आपसे पूछ लिया गया है लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू पूछ ली गई है, किसके लिए, सी ए सी एल टू के लिए और एम जी एस ओ फोर के लिए। पहले तो ये किस में टूटेगा भैया, अभी बताया था मैंने ए बी टू टाइप है ये, तो किस में टूटेगा, सी ए टू पॉजिटिव लैम्डा इन्फिनिटी प्लस में टू सी एल नेगेटिव लैम्डा इन्फिनिटी। एम जी एस ओ फोर किस में टूटेगा भैया, लैम्डा इन्फिनिटी एम जी टू पॉजिटिव और प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी एस ओ फोर टू नेगेटिव। तो इसकी उसने अलग पूछी है, इसकी उसने अलग पूछी है, साथ में दे रखी है भी उसने कैल्शियम की, कैल्शियम की वैल्यू 119.0। तो कैल्शियम यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कैल्शियम टू पॉजिटिव 109.0। उसके बाद भी उसने मैग्नीशियम की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीशियम दे रखा है 106। फिर उसने सी एल नेगेटिव और एस ओ फोर टू नेगेटिव दे रखा है, सी एल नेगेटिव की वैल्यू है भाई 76.3 और ये है 160। कितना है, 160। अब हमने कम्बिनेशन देखना, बस ये क्या था, सी ए 119 प्लस
सीएल 76.3, लेकिन सीएल के दो मोल थे भैया, दो सीएल नेगेटिव थे, तो इसको गुणा दो कर दूंगा मैं, तो इसकी इसकी वैल्यू जो आएगी 109.2 × 6, 6 × 12 ऐसा लगेगा, 7 × 14 = 15, इसको ऐड कर देंगे 6.9211 5 × 6 = 7 × 1 = 2, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर किसकी पूछी भी उसने सेकंड MgSO4 की, MgSO4 आपको पता है किस किस में टूटेगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है 106 प्लस सल्फेट क्या है 160, तो इसको ऐड कर देंगे 266। तो इस प्रकार से आप जो है अलग अलग के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, तो किसी की भी वैल्यू आपको गिवन हो उसको आप आसानी से सोल्व आउट कर सकते हो। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरा आ जाता है इसके द्वारा और क्या निकाल सकते हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके लिए एक छोटी सी वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी अल्फा से डिनोट किया जाता है, लेमडा cm अपॉन लेमडा इन्फिनिटी m, बस हमें ये समझना है लेमडा इन्फिनिटी, लेमडा cm क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन c, और लेमडा इन्फिनिटी m हमने अभी पढ़ा था ऊपर भी, लेमडा इन्फिनिटी क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या हुआ, लेमडा cm आपको न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगा, लैम्डा इन्फिनिटी एम फर्स्ट एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन का यही फायदा, पहली एप्लीकेशन अगर आपको आ गई तो वो आगे की आगे दूसरी में यूज होगी, दूसरी अगर आ गई तो तीसरी में यूज होगी, इस प्रकार से आसानी आपके लिए हो जाती है। तो यहाँ पर लैम्डा cm क्या है, जब कंसंट्रेशन सी वो न्यूमेरिकल में देगा ऑलरेडी कि भी इतनी इसकी कंडक्टेंस है कंसंट्रेशन सी के ऊपर, इन्फिनिटी एम हम यहाँ से निकाल लेंगे तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, याद वही रखनी है, ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पहले भी मैंने सबसे पहले ये लाइन लिखी थी, फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्या निकाल सकते हैं भैया, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हमें फर्स्ट स्टेप में किसका पता चल जाता है, अल्फा का, तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट यानी कि जो k है वो होता हमारा c अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 - अल्फा। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन कहाँ से आई, भाई इसको हम ले लेते हैं, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट था a, मान लो कि इसमें टूटा B+C में, शुरुआत में उसकी कंसंट्रेशन c थी, जब टाइम जीरो था तो भाई ना b बना है और ना c बना है, लेकिन आफ्टर टाइम t मान लिया टूट गया c अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी, अल्फा थी, किससे टूटा है, सी से, तो कितना टूट गया, सी अल्फा, तो बनेगा भी कितना, सी अल्फा सी अल्फा। तो के निकाला करते भाई प्लस वन में आप जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन की गुणा बटे में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस का सी अल्फा। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर अपॉन, इसमें से सी कॉमन आ गया, बाहर रहेगा 1 - अल्फा, तो सी से एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा सी अल्फा स्क्वेयर बटे 1 - अल्फा। अल्फा हमने फर्स्ट पोर्शन में अभी निकाला था, अल्फा अगर आ जाता है सी क्या होगी, कंसंट्रेशन गिवन होगी, अल्फा हम सेकंड स्टेप से निकाल के ले आए हैं 1 - अल्फा, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, तो ये थी हमारी तीन एप्लीकेशन। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, एट 298 केल्विन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, मैं लिख लेता हूँ लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl 129.8, उसके बाद लैम्डा इन्फिनिटी NaOH उसकी वैल्यू है 217.4, और फिर हमारा लैम्डा इन्फिनिटी NaCl है उसकी वैल्यू है 108.9। आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले मैं पता है इस केस से लास्ट में इसने NH4 का जिक्र किया है, मतलब हमें यहाँ से क्या चाहिए, NH4OH चाहिए, तो एक ऐसी ट्रिक लगानी है कि भाई NH4 और OH जुड़ जाए बाकी कैंसिल हो जाए, तो इन दोनों की वैल्यू हम ऐड कर देंगे और इसको क्या कर देंगे माइनस, तो क्या होगा 129.8 प्लस 217.4 माइनस में 108.9, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा इन्फिनिटी की। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया,
सेकंड स्टेप क्या था भाई हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा बोलते थे। अल्फा क्या होता था, लेमडा सी एम अपॉन लेमडा इन्फिनिटी एम। अब देखो मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप से लेमडा इन्फिनिटी तो आ जाएगा हमारा कितना है 238.3 अपॉन में। अब लेमडा सी एम एट कंसनट्रेशन सी, कंसनट्रेशन सी देखो इसने यहाँ पे दे रखी है, ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एन एस फोर ओ एच इज 9.33। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर में था, तो यूनिट तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, हमारे किसकी वैल्यू बच जाएगी अल्फा की। तो इसको जब सोल्व करें तो वैल्यू आएगी 0.0392। ये क्या होगा हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एन एस फोर एच। पहले परसेंटेज डिसोसिएशन पूछिए, आल्सो कैलकुलेटेड डिसोसिएशन है कॉन्स्टेंट। अब परसेंटेज डिसोसिएशन भाई अल्फा कितना आया है 0.0392, परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा इसमें वो कितने परसेंट डिसोसिएट होगा 3.92%। और फोर्थ स्टेप में उसने क्या पूछा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के हमारा किसके बराबर था सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस का अल्फा। अब सी क्या भाई, कंसंट्रेशन, इसने बोला था अभी सेंटी नॉर्मल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेंटी नॉर्मल स्टेटमेंट में था, स्टेटमेंट में 0.01 नहीं होता, अगर डेसी होता तो 0.1 लेते, सेंटी नॉर्मल है तो 0.01 लेंगे। तो यहाँ पर 0.01 मल्टीप्लाई में अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0.0392 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस फिर से वही 0.0392। तो इसको सोल्व करने पर के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.599 × 10⁻⁵। तो ये हमारा क्या आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल हमने ऐसा ले लिया जिसमें हमारी जो पहली तीन एप्लीकेशन हमने करी थी ना, वो तीनों एप्लीकेशन उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ और फिफ्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन हमारे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी भाई, लैम्डा इन्फिनिटी एम किसके बराबर था, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। हमने पढ़ा था इसको मोलर कंडक्टिविटी के अंदर, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ भाई, मोलैरिटी की जगह पे मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकता हूँ भाई सोल्यूबिलिटी। तो मोलैरिटी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, सोल्यूबिलिटी। अब हमें क्या निकालनी है, सोल्यूबिलिटी निकालनी है, इसको इस साइड ले जाओ, तो सोल्यूबिलिटी किसके बराबर होगी, कापा इंटू 1000 अपॉन लेमडा इन्फिनिटी एम। कापा हमें पता है कंडक्टिविटी, 1000 फिक्स रहेगा, लेमडा इन्फिनिटी एम फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगी हमारी इसकी फोर्थ एप्लीकेशन। पांचवा क्या आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ए वाटर। आप सभी को पता है भी वाटर जो होता है हमारा किसके अंदर टूटता है भाई, लेमडा इन्फिनिटी एच पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फिनिटी ओ एच नेगेटिव। जो एच पॉजिटिव है भाई इसकी वैल्यू होती है 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, और ओ एच की होती है 198.5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहीं पे कंबाइन कर देता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर एच और ओ एच को जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 548.3। अब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है भी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस प्योर वाटर की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए प्योर वाटर उसकी वैल्यू होती है लगभग 5.54 × 10⁻⁸, 5.54 × 10⁻⁸। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो आपको यूनिट याद होंगी भी इनकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमने क्या करना, फार्मूला अप्लाई करना, लैम्डा इन्फिनिटी हम किसके बराबर हुआ, के इंटू 1000 अपॉन में क्या था हमारा मोलैरिटी। अब हमने आयनिक प्रोडक्ट निकालनी है, मोलैरिटी को इस तरफ ले आऊँगा तो मोलैरिटी किसके बराबर होगी, कापा इंटू 1000 अपॉन लेमडा इन्फिनिटी एम। अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा था हमारा 5.54 × 10⁻⁸ इंटू 1000 अपॉन में लेमडा इन्फिनिटी एम की वैल्यू आई थी हमारी कितनी 548.3। तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे, सोल्व आउट करने पर जो वैल्यू आएगी 1.01 × 10⁷ ग्राम पर लीटर। तो ये हमारी क्या आ गई इसकी, एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव किसी की भी आप वैल्यू मान लीजिए। अब हमने क्या निकालनी थी, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट को लिखा जाता है बेटा के डब्ल्यू,
किसके बराबर होगा, एच पॉजिटिव की जो है और ओ एच नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है, तो ये वैल्यू सेम आएगी दोनों के लिए। तो 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस सेवन है भैया, ठीक है। ओ एच नेगेटिव की भी यही वैल्यू है, 1.01 इंटू 10 की पावर -7। क्यों लिखा भी मैंने ऐसा, क्योंकि वाटर हमने लिखा था भाई यहाँ किस में टूटता है, इक्वल में टूटता है, एच पॉजिटिव ओ एच ए नेगेटिव, तो इसको इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर तो अपने आप हो जाएगा भाई, पावर ऐड हो जाएंगी 10 की पावर -14 और इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 1.021 इंटू 10 की पावर -14। ये क्वेश्चन मेरे से MSc फाइनल ईयर के वाइवा में पूछा गया था कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा कोलार्सला, इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या बाद में पूछ सकते हो। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए अपनी स्टडी के साथ। थैंक यू।